नमस्कार दोस्तों, टेक्निकलिटी बॉस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ न्यू अपडेट आया है, तो उसी अपडेट के बारे में कि क्या क्या यहाँ पे नया अपडेट आया है, क्या क्या यहाँ पे नया फ्यूचर आया है। बहुत सारे जो अपने बैंक मित्र हैं वो यहाँ पे देख लिए होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक जानकारी नहीं हुई होगी। तो जिनको जानकारी नहीं है दोस्तों, ये हमारे पूरे वीडियो को देखें, आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या क्या जो है कि नया अभी अपडेट आया है और नया मेनू आया है और कुछ नया अपडेट जो भी कुछ है वो सारे चीज जो है कि इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक टेक्निकलिटी बॉस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के पोर्टल पे, यहाँ पे हम बताएंगे कि क्या क्या अभी अपडेट आया है। कुछ जो अपडेट है दोस्तों वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा को लेकर है, और एक जो अपडेट है वो यहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा को लेकर अपडेट है। अगर आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा अगर कर रहे होंगे तो आपको जानकारी है, अगर नहीं कर रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जो बीमा है उसमें अभी तक जो है कि कस्टमर का 330 रुपया कटा हुआ था, और जो अभी जो है दोस्तों कि फिलहाल जो कट रहा है उसमें 258 रुपया ही कट रहा है। तो दोस्तों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जो है उसका कमीशन 1 रुपया मिला करता था, लेकिन अभी उसका कमीशन भी बढ़ गया है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा था उसमें 30 रुपए का कमीशन मिला करता था, लेकिन अभी जो है उसका कमीशन कम गया है। तो दोस्तों आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि एक में 1 रुपए का 2 रुपया हो गया है और एक में जो है कि कम हो गया है, और 12 का तो अपना बीमा जो था उसमें 12 ही कटता है लेकिन 330 रुपए का बीमा में 258 रुपया ही कट रहा है। तो दोस्तों एक्चुअली मैं इसके एक पहले भी वीडियो में मैंने बताया था कि इसका कुछ जुलाई टू जुलाई सेशन चलता है, उस बीच में अगर जुलाई से अगर पहले करते हैं तो आपको 330 रुपया यानी कटता है, और अगर सेशन यानी 6 मंथ थ्री मंथ इस तरह से करके इसका कुछ बीमा कटता है, लास्ट होते होते 170 रुपए भी यहाँ पे देखा जाता है कि 170 रुपए कस्टमर के अकाउंट से कटता है। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि एक बहुत अच्छी सर्विस है जिससे आप अपना कमीशन को बढ़ा सकते हैं। अगर आप इंसेंटिव अगर आपका बनता है तो दोस्तों आपको बीमा तो करना ही करना पड़ेगा। यहाँ पे है जी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बीमा करके यानी 40 बीमा आपको करना ही करना पड़ेगा, तभी जो है कि आप इंसेंटिव के लिए पात्र होंगे, नहीं तो आपको इंसेंटिव अगर मिल बना हुआ भी है तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम बता देते हैं आपको, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जो है कि 18 तारीख से 30 नवंबर तक 18 नवंबर से 30 नवंबर तक इसका जो अभियान चल रहा है उसके थ्रू आपको 1 रुपया का प्लस 1 रुपया ज्यादा का इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो यानी 1 रुपया आपको उधर यानी कमीशन जो पहले मिलता था प्लस 1 रुपया और जो है कि अभियान में अगर आप करते हैं 18 तारीख से 30 तारीख तक तो आपको 1 रुपये और दिया जाएगा इंसेंटिव के रूप में, यानी 2 रुपए का आपको कमीशन इसमें मिल जाएगा। तो अभी अच्छा चांस है दोस्तों, अगर आप सुरक्षा बीमा करना चाहते हैं तो अभी ज्यादा से ज्यादा कर ले, ताकि ये तो हर समय जो है कि 1 रुपये ही कमीशन मिलता है, अभी जो है कि डबल हो गया है इसमें। अब वहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों जीवन ज्योति बीमा का। तो जीवन ज्योति बीमा में जो है कि पहले 330 रुपया कटा होता था, जिसमें यानी आप सोच सकते हैं कि 10% का कमीशन मिला करता था हम लोग को, और अभी जो है दोस्तों कि आपको यानी 10% के हिसाब से अभी भी आपको कमीशन मिलेगा, अभी 258 रुपया जो है कि कस्टमर के अकाउंट से कट रहा है। तो यानी अभी यहाँ पे लग रहा है कि कुछ 22 रुपया 50 पैसा ऐसा कुछ मिल रहा है, और जिसमें क्या है दोस्तों कि 5 रुपया और जोड़ दिया गया है इंसेंटिव के रूप में, 18 तारीख से अगर 18 नवंबर से 30 नवंबर तक यानी करते हैं तो यानी 5 रुपया और यानी 22 रुपया 50 पैसा और 5 यानी 27 रुपया 50 पैसा का आपका इसमें कमीशन मिल जाएगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में, और सुरक्षा बीमा में 2 रुपए का मिल जाएगा। और दोस्तों एक जो बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है वो हम लोग काफी दिन से यहाँ पे परेशान थे, रिमोटर रजिस्ट्रेशन को लेके, जो कि IMPS में फंक्शन हुआ करता था रिमोटर रजिस्ट्रेशन का। तो रिमोटर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बंद कर दिया गया था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे फिलहाल फिर से चालू कर दिया गया, हमारे पोर्टल पे दे दिया गया है। तो चलिए हम रिमोटर रजिस्ट्रेशन में जाकर देखते हैं कि क्या कुछ चेंजिंग हुआ है। तो दोस्तों मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे को जहां तक जानकारी मिली है कि बिकिन कस्टमर का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन दोस्तों इस बार भी बिकिन इन कस्टमर का ऑप्शन नहीं आया है, जो कि हम लोग के लिए बहुत बड़ा यहां पर नुकसान है।
क्यों नुकसान है दोस्तों कि बी की अगर कस्टमर आ जाता है तो यहाँ पे जो है कि आपका ओडी अकाउंट यहाँ पे लिंक हो जाएगा और अपने ओडी अकाउंट से किसी भी बैंक में आप अपना ओडी से यहाँ पे पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं जो कि बहुत इजी हो जाएगा। अभी क्या है कि कस्टमर के लिए सिर्फ दिया हुआ है कि कस्टमर का अकाउंट से आप रिमोट रजिस्ट्रेशन करके आईएमपीएस कर सकते हैं, जनरल कस्टमर को आप नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर है और उसका आप रिमोट रजिस्ट्रेशन करके उसका आईएमपीएस कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बाहर से कस्टमर आता है बोलता है स्टेट बैंक में हमें पैसा भेजना है तो आप यहाँ पे नहीं भेज पाएंगे। अगर आप अपने अकाउंट से भेजते हैं दोस्तों तो वहां पर कहीं आपको दिक्कत हो सकता है। तो यही सब कुछ अपडेट था दोस्तों जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देना चाहता था। अगर ये अपडेट मेरा दिया हुआ है, समझाया हुआ, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने बैंक मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।